मौसम इश्क की चादर। और मैंने तुमसे इसलिए प्यार तो नहीं किया था कि तुम मेरे बच्चों की मां बनोगी। और दुनिया में ऐसे हजारों कपल्स हैं जिनकी औलाद नहीं होती, वो भी तो खुश रहते हैं। वैसे एक बात बताऊं एसपी साहब, आपकी बेगम से एक गिला है कि आजकल इनको आपके सिवा कोई और नजर ही नहीं आता, ना किसी की बात सुनती हैं ये और ना ही किसी की बात समझने की कोशिश करती हैं। मगर बेटा, तुम्हारी मदर इन लॉ ने तो कहा है कि हमारा के साथ मामूली सा प्रॉब्लम था जो अब सॉल्व हो गया, और इसी खुशी में आप लोग हमारे साथ डिनर करें। अरे आंटी, जब अम्मारिया ने खुद एडमिट कर लिया है तो उसके बाद शक और शुबात की गुंजाइश कहाँ रहती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अहमद। मैं एक ऐसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी कैसे कर सकती हूँ जो मां बनने के काबिल नहीं रही? इसमें हमारा का क्या कसूर है मां? ये तो तकदीर का फैसला है। ये तकदीर का फैसला नहीं है, उनकी बदअमालियों की सजा है सजा। पहले बेटे की शर्मनाक डेथ और फिर बेटी का गैर फितरी अंजाम। इसीलिए कहते हैं अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज होती है। नहीं मॉम, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मैं मारा कोई हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता मॉम। मगर मैं अब उन लोगों का साया तक इस घर पे पड़ने नहीं दूंगी। जब से उन लोगों से रिश्तेदारी की है, मसाइल और मुसीबतों ने हमें घेर रखा है। ऐसा कैसे मुमकिन है मॉम? कि नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा हो सकता है अहमद। और अब तो मुझे लगता है कि मेरा एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ है। कुदरत ने हमें छोटी मुसीबत में डालकर बड़ी मुसीबत से बचा लिया। प्लीज मां, समझने की कोशिश करें। मैं मारा के अलावा किसी भी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। बस अहमद बस, मैंने तुम्हारी खुशी और जिद की खातिर तुम्हारा रिश्ता वहां तय किया। यह मेरी ममता की मजबूरी थी, मगर कोई भी मां यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बेटा बे औलाद रहे और उसकी नस्ल आगे ना चले। अच्छा, और अगर आपका अपना बेटा औलाद पैदा करने काबिल ना होता तो तुम अपनी मां को इतना कमजोर समझते हो? आज से पहले तो नहीं समझता था मैं। हाँ, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर गलत फहमी है तुम्हारी। अगर तुम औलाद पैदा करने के काबिल ना होते तो मैं अपनी बहू को बड़ी खुशी से दूसरी शादी की इजाजत दे देती। मैडम यास्मीन और अहमद नहीं आया अभी तक। वैसे मैडम यास्मीन आम तौर से वक्त के मामले में बहुत पंक्चुअल है। मुझे तो टेंशन हो रही है बेगम, फोन करके पता करो क्या वजह है उनके लेट होने की। फोन अटेंड नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अचानक कोई मसरूफियत? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो फोन करके बता देती। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि न जाने इतना लेट होने की क्या वजह हो सकती है। हमारा कहाँ? वो भी आज कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो तो बहुत एक्टिव है, बल्कि सुबह तो अपनी दोस्तों से मिलकर आई थी, उसके बाद वो डिनर की तैयारियों में मसरूफ हो गई। भाई बड़ी दिलचस्पी ले रही है उसमें। अच्छा, तुम दोबारा मैडम यास्मीन से बात करो।
अच्छा फिर ट्राई करती हूँ। हाँ अहमद बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा खैरियत, तो बेटा फोन करके बता दिया होता ना कि हम लोग तो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। अल्लाह खैर करेगा, हमारी तरफ से अपनी अम्मी को पूछ लेना। क्या हुआ भाई? बजाय मैडम यास्मीन के अहमद ने फोन उठा लिया था। अरे वो तो मैं भी सुन रहा था, क्या कहा उसने? मैडम यास्मीन की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो लोग डिनर पे नहीं आ सकेंगे। ये अचानक तबीयत का खराब होना बहाना होता है बेगम। You know, Arsalan, I don't understand one thing. यही के झूठ के सहारे कब तक तबीयत खराब रह सकती है? क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैडम यास्मीन की तबीयत खराब नहीं है, उन्होंने यहाँ आने से इनकार करने के बजाय बहाना बनाना ज्यादा मुनासिब समझा। मगर क्यों, इसी कोई खास वजह? अरसलान, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं और मैं आपकी मोहब्बत में आंख बंद करके ना आपकी सारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन लोग अपनी आंखें खुली रखते हैं। मगर मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला है फर्जी? यही कि अम्मारा का ऑपरेशन कामयाब रहा, कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई नहीं। हाँ तो ऐसा ही हुआ है, इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? मैडम यास्मीन ने खुद फोन करके बताया है मुझे कि अम्मारा ने अहमद से शादी करने से इनकार कर दिया है। इनकार? मगर क्यों? इसलिए कि वो अपमान नहीं बन सकती। What? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की कोशिश की गई? नहीं अरसलान, आपसे छुपाने की कोशिश नहीं की गई, मुझसे छुपाने की कोशिश की गई है। But I'm surprised. आपको क्यों डॉक में रखा? Why? मैं अभी मम्मी और डैड से बात करता हूँ। नहीं अरसलान प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने मैडम यास्मीन से बात की है। मगर मुझे अमारा से बात करनी पड़ेगी कि उसने अहमद से ये बात क्यों की। क्या फायदा, और वैसे भी अमारा ने अहमद को बताकर कोई गलती नहीं की, बल्कि जुर्रत का मुजाहिरा किया। प्लीज आप बैठ जाइए, थोड़े दिन सब्र कर जाइए, जो भी बात होगी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। साहब जी, ये हमारा बीबी की मंगनी का सामान है, मैडम यास्मीन ने मंगनी तोड़ दी है। की चादर इश्क की चादर ये मुझे क्या हो गया था, मैं चाहते हुए भी एसपी साहब को कुछ क्यों ना बता सका। शैला के आंसुओं ने मुझसे मेरा इरादा क्यों तब्दील करवा दिया? चेक बंद हो जाने का खौफ था या शैला की मोहब्बत आड़े आ गई? हेलो अरे आप? हाँ लेकिन मुझे यहाँ देखकर आप इस कदर हैरान क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, साली तो आधे घर वाली हो, उसके आने पर हैरत किस बात की? मैं
लेट्स मेक इट स्ट्रेट. हाँ, मैं यहाँ तुमसे एक एग्रीमेंट करने आई हूँ. एग्रीमेंट? ये हमाद, क्या नाम है उसका, अहमद हमाद, वो कुछ एज में ज्यादा नहीं है हमारा से. अचानक आपको ये ख्याल कैसे आ गया? तुम कह रही थी ना कि वो दोनों क्लास फेलो हैं. नहीं नहीं, वो क्लास फेलो नहीं थे, वो कॉलेज में एक साथ थे. वो एक्चुअली अहमद जो है वो हमारा से सीनियर था, फिर एक दो पार्टीज में मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई. और वैसे भी प्यार मोहब्बत में एज कहाँ देखी जाती है. पर क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो अहमद की मामा एक एनजीओ चला रही हैं. अच्छा, एनजीओ. लेकिन आप इस बारे में इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों मुझे अहमद की ड्यूअल पर्सनालिटी लगती है. क्या मतलब? कभी कभी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है, बड़ी मजे की बातें करता है, लेकिन सॉरी टू से कभी कभी बड़ा छुचौरा भी हो जाता है. लेकिन मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ. तुम्हें होगा भी नहीं भाई. भाई हो सकता है कि तुम भी उसे हमारा की जैसा देखती हो. देखिए मैं तो एक पुलिस वाला हूं, और एक पुलिस वाला हर एक को पुलिस वाले की नजर से ही देखता है. आखिर मेरी साली का मामला है, मेरे होने वाले हमजुल्फ है, मालूमात तो होनी चाहिए ना. नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. देखें अब तो उनकी मंगनी हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कुछ करने की जरूरत है. भाई मंगनी हुई है, अभी रुख्सती तो नहीं हुई. और वैसे भी मैं समझता हूँ कि हर इंसान को परखने का एक ना एक मौका जरूर होता है. मैं तो तफ्तीश जरूर करूंगा अगर आपको कोई इतराज ना हो तो. जी जैसी आपकी मर्जी. तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? नहीं मैं हैरान नहीं हूं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पांव के नीचे से कोई जमीन खींच रहा है. आप कब तक इस खुशफहमी में रहेंगे मिस्टर हमाद कि आपके पैरों के नीचे जमीन है? क्या बात है. वेल सेट, आपने तो मेरी एक और महरूमी का एहसास दिलाया है. वाकई मेरे पांव के नीचे तो मेरी अपनी जमीन है ही नहीं. और मैं तुम्हारे पांव के नीचे वो जमीन बिछाना चाहती, तुम्हारी अपनी जमीन. ये तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है. कम टू द पॉइंट, जाती क्या है आप? मुझे तुम्हें वो सब कुछ नजर आया है हमाद जो एक मर्द में होना चाहिए, वो सारी खूबियां जो किसी भी मर्द को एक औरत का काम है ना, फिर मैं तुम्हें दूंगी और तुम मेरे साथ फिरदौस हाउस में रहोगे. अच्छा, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस बात की इजाजत दे देंगे? वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं. तुम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो कि शैला तुमसे नफरत करती है और वो किसी भी सूरत तुमसे शादी नहीं करेगी. तुम उसका सुकून तबाह करके
क्यों खुद को एक मुश्तरक करेंसी की तरह डी वैल्यू करना चाहते हो? ओके ठीक है, यहां तक तो बात मेरी समझ में आ गई है, लेकिन ये बताओ बदले में मुझे क्या करना होगा? वेरी सिंपल, तुम शैला की अज़दवाजी जिंदगी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे और मैं तुमसे शादी करके तुम्हें फिरदौस हाउस ले जाऊंगी। इस तरह तुम भी खुश, मैं भी खुश और शैला भी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जानते हो एक गरीब आदमी उम्र भर गरीब क्यों रहता है? क्योंकि वो सोचता बहुत ज्यादा है और करता कुछ नहीं। सही कहा तुमने, गरीब आदमी को जब भी गुर्बत की दलदल से निकलने का मौका मिलता है तो वो मजीद कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि उसे चांस मिल रहा है या उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ये तुम्हें पता चला कि मैडम यास्मीन की तबीयत क्यों खराब हो गई? हो ना हो, ये फरजीन की कोई साजिश है। ओहो, तुम्हें तो हर बात बहू की साजिश लगती है या फिर मकाफाते अमल। हाँ अंदर आ जाओ। ये क्या है साहब जी? ये हमारा बीबी की मंगनी का सामान है, मैडम यास्मीन ने मंगनी तोड़ दी है और उन्होंने कहा है इसकी वजह खुद हमारा बीबी बताएंगे। क्या मंगनी तोड़ी? इश्क की चादर, इश्क की चादर, तो ठीक है मैं उसे डाइवोर्स कर देता हूं। डैड, मैंने हमाद से शादी कर ली। सब्र का मौसम, इश्क की चादर।